नमस्कार दोस्तों। तो देखिए भाई, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन आज मैं छत पे ही आ गई हूँ और यहीं से आपको बधाई दूंगी और साथ साथ अपने फ्लावर प्लांट भी दिखाऊंगी। और देखिए, 15 अगस्त को भारत अपना आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और कितनी धूमधाम से लोग मना रहे हैं। देश में हर तरफ स्वतंत्रता दिवस की उत्सव की धूमधाम चल रही है। हल्की बारिश भी हो रही है हमारे यहाँ। तो सरकार के जो हर घर तिरंगा अभियान ने सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व की रौनक को और बढ़ा दिया है। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को देखिए अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था और हमें भी सबको मिलकर अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और इसकी सेवा में किसी भी तरह से इसके विकास में हमें योगदान जो भी हमसे हो पाए वो करना चाहिए और हम सब मिलकर अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें। देशभक्ति की भावना से ही अपने सब अपने दिलों में जगाएं और स्वतंत्रता दिवस के जो सेनानियों के बलिदान को भी हमें बहुत याद रखना चाहिए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने हमारे देश के लिए कितना बलिदान दिया है। सैकड़ों लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है जब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ है। हम किसी भी रूप में अपने देश की रक्षा करें। ये दिन हमें वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की भी याद दिलाता है। उन्हीं की बदौलत आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं और अपने देश में इतने धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बच्चे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छा अपने मोहल्ले सोसाइटियों में प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए, किसी भी रूप में हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर्यावरण को भी बढ़ावा देना चाहिए और ये पेड़ पौधे जितने आप लगा सकते हैं उतने लगाने चाहिए। देखिए, मैंने अपनी छत पे इस तरह से प्लांट रखे हुए हैं जो पक्के प्लांट हैं, ना तो ये सर्दी में ख़राब हो, ना बरसात में, ना गर्मी में। देखिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो फ्री में भी हमें मिल जाते हैं। ये सारे ही प्लांट आप देख रहे हैं, ये हमारे प्रोग्राम हो रहा है नीचे पार्क में बच्चों का, और सारे ही जो प्लांट हैं ना फ्री में मैंने तैयार किए हुए हैं। बहुत कम प्लांट मैंने खरीदती है। जब शुरू में मैंने शुरू की यहाँ छत पे गार्डनिंग तो बहुत से प्लांट मैंने ख़रीदे थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि कौन से प्लांट हमारे यहाँ के वातावरण के हिसाब से चलेंगे। तो 2-3 साल बाद धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा कि कौन से प्लांट हमें यहाँ लगाने चाहिए। तो इसीलिए सारे ही प्लांट जो पक्के प्लांट हैं, परमानेंट प्लांट जिनको बोलते हैं, वही लगा रखे हैं और समय आने पर इनमें खूब फूल खिलते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि रोज़ हम ये डाल लें वो डाल लें तभी हमारे फूल खिलेंगे। हर चीज़ का एक अपना समय होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि थोड़ी सी हम देखभाल ज़्यादा कर लेते हैं ना, जब मौसम होता है फूलों का तो थोड़े ज़्यादा खिलते हैं। तो वही मैं आपको बताती रहती हूँ। फ्री का फर्टिलाइज़र होता है जो मैं ज़्यादातर बताती हूँ, वो भी बहुत ही कम फर्टिलाइज़र ऐसे बताती हूँ जो मैं बाज़ार से लाती हूँ, उसी से ये खिलते हैं। आजकल बरसात का मौसम है तो ज़्यादा कुछ काम तो करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। पानी भी नहीं डालना पड़ रहा आजकल, तो 10 दिन से हो गए बारिश से लगातार थोड़ी थोड़ी आ जाती है तो ज़रूरत नहीं पड़ती पानी की। और बस थोड़ा बहुत हमें फर्टिलाइज़र जो घर में ही पड़े होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे, मैंने डाली हुई हैं पहले की, उसी से ये खूब फूल खिलते हैं। तो देखिए, एक मनोरंजन भी होता है अपना, अपने दिमाग को बहुत संतुष्टि सी मिलती है गार्डनिंग करने से, और खुद हमारा स्वास्थ्य भी इतना ठीक रहता है जब हम मिट्टी में हाथ डालते हैं, गमले इधर से उधर रखते हैं, सफाई करते हैं अपनी छत की, तो एक एक्सरसाइज हमारी अपने आप ही इतनी हो जाती है। और फूलों को देख के तो हम कितना भी काम कर लेते हैं। मैं जब काम करना होता है ना मुझे, तो इतने मेरे पास 200 से 250 प्लांट हैं, 35 से 40 तो ये सारे मेरे पास गुड़ल ही गुड़ल हैं, तो मैं कर लेती हूँ। कुछ भी मेरे को प्लांट करने में कोई थकावट नहीं होती और अच्छा लगता है। और जो भी कलम लग सकती है, मैं ज़्यादातर अपने प्लांट खुद कलम से तैयार करती हूँ और लोगों को भी देती हूँ। काफ़ी प्लांट मैं बांटती हूँ, जो बड़े प्लांट हो जाते हैं उनको पार्क में लगवा देती हूँ। जब वृक्षारोपण होता है हमारे यहाँ, जो आसपास बड़े पार्क हैं, तो लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर प्लांट लगाते हैं। तो जो मेरी छत पर एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं, किसी का गमला टूट गया, बड़े प्लांट हो जाते हैं ना तो उनके गमले भी टूट जाते हैं जो ज़मीन के प्लांट हैं। और जैसे चंपा की कलम देख रहे हैं, ये मैंने तैयार करी, ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, ये 1-2 गुड़ली थे पहले और सारे ये मैंने कलम से तैयार करे हैं। ये सारे जो सीजनल होते हैं, ये अब जैसे सितंबर में अब ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इनकी थोड़ी सी कलम एक जगह इकट्ठी कर लूँगी सभी रंगों की, फिर अगले सीजन के लिए। ये बस यही चलता है, इसी से ही भरा रहता है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कई लोग कहते हैं ना, शरीर में दर्द रहते हैं, सेहत ठीक नहीं रहती है, वो लोग गार्डनिंग करनी शुरू कर दें, उनकी शरीर भी सही रहेगा,
स्वस्थ रहेगा, सेहत भी ठीक रहेगी और थोड़े दिन बाद ही उनको एहसास। नमस्कार दोस्तों, तो भाई देखिए शाम का टाइम हो रहा है और अब मैंने ये फूल निकाले हैं। कितने फूल हैं आप देख सकते हैं, कितने फूल मैंने निकाले हैं। और ये मैंने निकाले इसलिए कि इनको मैं मेहंदी में इस्तेमाल करूँगी बालों में लगाने के लिए। और कल के लिए कितनी कलियाँ तैयार हो गई आप देख सकते हैं। तो कितना मन खुश होता है जब इतने इतने फूल रोज़ निकलते हैं। आप देख सकते हैं गुच्छों में कलियाँ बनी हुई हैं, चारों तरफ पेड़ पे आपको कलियाँ ही कलियाँ नज़र आएंगी। और इनमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र डाले हैं मैंने आप देख सकते हैं चैनल में। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और अच्छी अच्छी वीडियो आप देख सकते हैं। तो सभी जो प्लांट हैं उनमें कलियाँ कितनी भरी हुई हैं और फूल देख के तो मन खुश हो गया कतई। ये देखिए